तो लॉर्ड ऑफ प्लान के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने उस ब्लैक डिमन सेट के हेड को अपना सोल प्यूरिफिकेशन टेक्निक का यूज़ कर उसे जान से मार दिया था, जिसके मरते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूना है, जो बैठ कर कल्टिवेशन कर रही थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, जिसके बाद हमारा सीन फैंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस हेड के मरते ही उसकी बॉडी का इवल एनर्जी चारों तरफ फैला होता है, जिसे देख वो ब्लैक सोल फैंग की बॉडी से बाहर आता है और वह उस इवल एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है, और वह उस एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद फैंग की बॉडी में वापस चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर लिंगर और सियाव आती है जिन्होंने उन सारे जॉम्बियों को मार दिया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्यूना आती है जिसके पास एक मैजिक अम्ब्रेला होता है और वह फैंग की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर फैंग सियाव लिंगर अपनी वेपन को निकाल लेते हैं और वह इससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि फ्यूना उन पर अटैक कर देती है, जो अटैक सियाव और लिंगर को जा लगता है, जिससे वह दोनों पीछे चले जाते हैं, जिसके बाद फैंग बोलता है कि ये लड़की काफ़ी पावरफुल है तो हमें यहाँ पर संभल के इसे लड़ना पड़ेगा, जिसके बाद फ्यूना फैंग पर अपने अम्ब्रेला से अटैक कर देती है, जिसे फैंग डॉच कर लेता है और वह उस पर अटैक कर देता है, और इसमें उसकी मदद सियाव और लिंगर भी करती है, पर यहाँ पर फ्यूना काफ़ी पावरफुल होती है और वह तीनों को पीछे भेज देती है, जिसे देख फैंग अपना डिवाइन फिश टेक्निक का यूज़ करने लगता है और उसकी ये टेक्निक काफ़ी पावरफुल होती है और वह अपने डिवाइन फिश से उसके अम्ब्रेला पर अटैक कर देता है, और इस डिवाइन फिश की पावर काफ़ी ज़्यादा था जिससे वह अम्ब्रेला डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस पर फ्यूना काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह फैंग पर अपनी पावर से अटैक कर देती है, जिस पर फैंग भी अपने डिवाइन फिश से उस पर अटैक करता है, जिससे दोनों के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फैंग इस टेक्निक का यूज़ करने के कारण उसकी बॉडी के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ख़त्म हो गई थी, जिससे वहाँ पर वो कमज़ोर होने लगता है, जिस पर फ्यूना उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके बॉडी में कुछ होने लगता है जिससे उसके सर में काफ़ी दर्द होने लगता है, जिस पर फैंग बोलता है कि इसके बॉडी में तो एनर्जी फ्लैक्चुएशन हो रही है और हमें इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागना चाहिए, जिस पर फैंग सियाव और लिंगर वहाँ से भागने लगते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्यूना के बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था उससे वह जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और वहाँ पर बड़े बड़े चट्टान गिरने लगते हैं, और जब फैंग सिंगर और लिया वहाँ से भाग रही थी तभी फैंग को लगता है कि वहाँ पर कुछ है, जिस पर फैंग बीच रास्ते में ही रुक जाता है और सियाव और लिंगर उस जगह से बाहर आ जाती हैं, जिनके आते ही उस जगह का रास्ता पूरी तरह से चट्टानों से बंद हो जाता है, जिस पर किन लिंगर से पूछती है कि यहाँ पर फैंग कहाँ है, जिस पर वो बोलती है कि वो तो हमारे पीछे ही आ रहा था, जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जिसके साथ वह ब्लैक सोल भी होता है, और वह दोनों एक जगह पर जाते हैं जो जगह फैंग को फील हुआ था, जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर मिल्क लिक्विड होता है जो काफ़ी पावरफुल होता है और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसे देखकर ब्लैक सोल बोलता है कि जल्दी से इस मिल्क लिक्विड को पी लो जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से और भी पावरफुल हो जाएगा, जिस पर फैंग ऐसा ही करता है और वह उस मिल्क लिक्विड को पीने लगता है, जिसके पीने के बाद फैंग को उसके बॉडी में काफ़ी पेन होने लगता है और वह बोलता है कि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो गया है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जिस पर वह ब्लैक सोल बोलता है कि तुम ध्यान लगाओ और एक जगह मेडिटेशन करो, मैं तुम्हें इसमें मदद करूँ, जिस पर फैंग ऐसा ही करता और वह वहाँ पर बैठ के कल्टिवेशन करने लगता है, जिससे वह अपना रेलम को ब्रेक थ्रू कर लेता है और वह अगले रेलम पर पहुँच जाता है। इसके बाद फैंग ब्लैक सोल से बोलता है कि अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, यहाँ पर तो चट्टानों से इसकी जगह बंद हो गई है, जिस पर ब्लैक सोल बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी सोल स्किल का यूज़ करो, जिस पर फैंग ऐसा ही करता है और वह अपनी सोल स्किल का यूज़ कर आसपास के एरिया को स्कैन करने लगता है और उसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता चल जाता है, जिस पर फैंग वहाँ जब जाता है तो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वह इस जगह से बाहर आ जाता है, जहाँ जब वह बाहर आता है तो उसके सामने फ्यूना होती है जो बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, जिसे देख ब्लैक सोल बोलता है कि ये लड़की के ऊपर जो ब्लैक टैटू है ये एक तरह का कर्स है जो उसके सोल को डैमेज कर रहा है, जिसके बाद हमें फ्यूना का चाइल्डहुड के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिंग को देखते हैं जो कई सारे बंदों को मारकर उसके पास आता है और वह मिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटी फ्यूना एक जगह पर बैठकर वहाँ का सीन को एंजॉय कर रही थी, तभी वहाँ पर मिंग आता है जो उसे बोलता है कि जो भी आज कुछ हुआ है तुम उसके बारे में किसी और को मत बताना वरना मैं खतरे में पड़ जाऊँगा, समझी मेरी छोटी बहन, जिस पर फ्यूना बोलती है कि ठीक है, जिस पर मिंग उसे एक कैंडी खाने को देता है, जिसे जब फ्यूना देखती है तो बोलती है तो ब्लैक कैंडी है, जिस पर मिंग बोलता है कि यह कैंडी काफ़ी अच्छी है तुम्हें इसे ट्राई करनी चाहिए, जिस पर फ्यूना उसे खा लेती है और तभी से उसके बॉडी पे ये कर्स लग जाता है और उसके साथ ही ये टैटू उसके बॉडी पर बन जाता है,
जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर फैंग अपनी पावर का यूज़ कर उसके बॉडी का कर्ज को हटाने लगता है, और इसमें फैंग की काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज होता है। लेकिन लास्ट में फैंग उसके बॉडी का कर्ज को हटा देता है, जिसके कर्ज को जाते ही वहाँ पर एक डार्क लोटस आता है, जिसे देख वो ब्लैक सोल बोलता है कि यह तो एक इवेल ट्रेजर है जो दूसरे का सोल डैमेज करता है और उसके माइंड पर कंट्रोल कर लेता है, जिस पर ब्लैक सोल उस ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद जब फियोना का होश आता है तो वह फैंग को बोलती है कि यहाँ पर मेरा भाई मिंग कहाँ है, जिस पर फैंग बोलता है कि तुम्हारा भाई मेरे पास है और मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलूँगा, लेकिन मेरी यहाँ पर कुछ कंडीशन है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिंगर को देखते हैं जो उस केव के एंट्रेंस को ओपन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है जो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर लिंगर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वह फैंग के गले लग जाती है और वह रोकर बोलने लगती है कि मुझे लगा कि तुम आज यहाँ पर मर गए हो और मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊँगी। जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा।